आवाज सुनी, क्या वो पुलिस है? सभी अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। मेरा टायलर, मुझे तुम्हारी याद आती है। क्योंकि लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट मजे करना है। लाइफ में सबसे जरूरी है प्यार। इसकी उम्मीद नहीं की थी ना। ओए तुम कौन हो बे? तुमने ऐसा क्यों किया? मैं चाहती हूँ तुम मुझे जिंदगी भर याद रखो। तुम क्या बात कर रही हो? तुमने मेरे गिटार की ऐसी तैसी कर दी। ये लो रोतड़ो। शांत हो जाओ, झगड़ा करना बंद करो, निकल जाओ यहाँ से, मेरे करीब आने की हिम्मत भी मत करना। उप्स। किसी ने आज तक उसके साथ ऐसी छेड़खानी नहीं करी, हमेशा याद रखेगा मुझे। तुमने सोचा तुम्हारा हो गया? नहीं, तुम्हें तो अब मेरा नंबर चाहिए। हाँ, जिसने तुम्हारा गिटार तोड़ा था। और अब वो तुम्हारा दिल तोड़ेगी। जल्द ही वो दिन आएगा, वो मुझे खुद कॉल करेगा। कहाँ छिपा है वो? बाहर आओ ना। क्या हो रहा है? ये क्या है? ये किसने किया? अरे नहीं यार, क्या? वाओ, किसी ने कांच तोड़ दिया। अरे फिर से वही पागल लड़की है, आखिर वो मुझसे चाहती क्या है? रुक जा, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, कार का इंश्योरेंस है। हम जरूर उसे सबक सिखाएंगे, अभी यहाँ से चलते हैं। मुझे नॉर्मल गिफ्ट चाहिए, तुम्हारे गाए हुए गंदे गाने नहीं। हमारा रिश्ता खत्म, मुझे कॉल मत करना बेवकूफ इंसान। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये पांचवी बार है साल में कि सबने मुझसे एक ही बात बोली। कम ऑन टायलर, बस करो, तुम हमेशा पागल लड़कियों को ही चुनते हो। चलो प्रैक्टिस करते हैं, तुम्हारा माइंड डाइवर्ट होगा। इससे कुछ नहीं होगा, मैं इस मूड में नहीं हूँ। अबे मूड से क्या होता है, तेरा कॉन्सर्ट है, तूने प्रैक्टिस भी नहीं करी उस पागल की वजह से। तुम लोग मुझे पागल कर रहे हो, तुम नहीं समझते मैं क्या फील कर रहा हूँ। मुझे बुरा लग रहा है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। टायलर रुको। जो भी हो, कभी सोचा नहीं था कि मैं उसे कॉल करूंगा। ठीक है, जो होता है होता है। हेलो, हे भगवान, तुमने मुझे डरा दिया, ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया हैंडसम। बताओ क्या तुम्हें हमारी पहली डेट पसंद आई? वैसे अब तक ये बहुत ही अलग है, क्या हम झील के किनारे बैठे खुशी से? तुम्हें पता, मुझे लगता मुझे कोई नहीं समझता। मैं भी। अरे देखो मेरे पास क्या है, ये है टॉमी, मिलो इससे। इसे दूर हटाओ। अरे शांत भी हो जाओ, ये अच्छा है, सब इसकी शक्ल देखकर इससे डर जाते हैं। इस मामले में हम एक जैसे हैं। मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी कूल हो, और सच में हमारे बीच बहुत कुछ कॉमन है। हाँ, वैसे गिटार के लिए सॉरी, मैं तो बस एक इम्प्रेशन छोड़ना चाहती थी। हाँ तुमने छोड़ दिया, असल में तुम वो इंसान नहीं हो जो तुम दिखाना चाहती हो। सच कहूँ ना, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम मेरे कॉलेज में आई, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। हाँ ग्रेट। अच्छा सुनो, इतने इमोशनल मत बनो, ये बड़ा बोरिंग है, इतना सटीक होना बोरिंग होता है। किटी हम क्लास के लिए लेट हो गए, तुम आ रही हो? तुम चलो, मैं आती हूँ।
अब मैं इस जगह को मजेदार बनाऊंगी। सबको बता दो इस जगह की क्वीन कौन है। ये हुई ना बात। हाय। क्या हो रहा है यहाँ पर? इतनी उदासी क्यों चाहिए? ये क्या बकवास है? ये तुम क्या कर रही हो? तुम भला हो कौन? न्यू एडमिशन। मैं चाहूंगी आप मेरा नाम जाने। तुमने खुद को इंट्रोड्यूस नहीं किया? तुम्हारा नाम क्या है? बाहर हॉल में लिखा हुआ मिल जाएगा। बस ये ज्यादा हो रहा है। उसे क्या लगता है कि वो कौन है? एरियल, शांत हो जाओ। ये मेरी नई गर्लफ्रेंड है, किटी। क्या गर्लफ्रेंड है? और ये पागल लड़की। सुनो, मेरी बात सुनो। मैं ये कह रही थी कि अब तुमको कोई प्रॉब्लम है क्या उससे? जैक से दूर रहना। अब तो तुम कहीं। किटी शांत हो जाओ प्लीज। ये तो बहुत भयानक है, कुछ करो। अरे रुक जाओ, अबे पागल हो गई है क्या? जंगली बिल्ली, उठ। बस बहुत हुआ, अब तुम मेरी क्लास से बाहर निकलो और दोबारा यहाँ दिखाई मत पड़ना। मुझे यहाँ आना भी नहीं था, समझी? पापी बुढ़िया। उस बंदरिया ने मुझे गुस्सा दिलाया। वाओ, ये तो मेरा लकी डे है। ओ, इस पल का कब से इंतजार किया है, जब ये काम आएगा। ओप्स, क्या धमाका हुआ, मजा आ गया। कमाल है। किटी, तुमने ऐसा क्यों किया? इस मूर्ख को सबक सिखाना जरूरी था। बस बहुत हुआ, मैं थक गई हूँ। मैं पुलिस को बुला रही हूँ। और तुम, तुम्हें क्लास से सस्पेंड कर दिया गया है और बैंड रिहर्सल से भी। क्या? अरे पर मैं क्यों सस्पेंड? मैं शॉक में हूँ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड की वजह से हम रिहर्सल भी नहीं कर सकते। तुमने सब बर्बाद कर दिया। किटी क्यों? हाँ, समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारा क्या करूं। ऐसा लग रहा है कि हर कोई मुझसे दूर जा रहा है। पहले तो तैने क्लास डिस्टर्ब करी, फिर तैने मारपीट करी, फिर तैने लॉकर उड़ा दियो। ससुरी बड़ी बदमाश है तू। यार तुम मुझे खड़े खड़े पका क्यों रहे हो? हाँ, ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं था। किटी कैसी हो, ठीक हो? कुछ भी तो ठीक नहीं है, मुझे उठा के पिंजरे में डाल दिया है। बेबी मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, पर तुमने क्या कर दिया? उसकी गलती नहीं है। अच्छा, गलती ना है? फिर लॉकर कौन तोड़ियो? वो मैं था, मैंने ही उसे ये सब करवाया। के बोलियो? हाँ ये सच है, मैंने ही उसे क्लास बर्बाद करने के लिए बोला था। थारा दिमाग तो ठीक है ना? घनो बड़ी बात बोल रही हो तू। हाँ ये सच है, किटी ने कुछ नहीं किया, जो किया मैंने किया। आखिरकार, बड़ी ठंड लग रही थी वहाँ पे। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? रह, जब उसने कबूल कर लियो है तो तैने कहा हो रही हो? इब जब तैने सबूत मिलियो तब आइयो। टायलर तुमने मुझे बचा लिया, थैंक यू। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। एक काम करो, ये लो मेरे घर की चाबी और जाओ घर का ध्यान रखो, पर अपना भी। ओह वाओ, नो प्रॉब्लम। और हाँ, ये लो मेरा कार्ड लो और सारे पैसे निकलवा लो और जल्द से जल्द मेरी जमानत करवाओ। वाओ, ओ हाँ टायलर, मैं सब कुछ कर दूंगी, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। आई लव यू। आई लव यू टू। अच्छा मैं अब जाती हूँ, हाँ फिर मिलेंगे, ओके? अरे वाह, उसने मुझे बचा लिया, मैं कितनी लकी हूँ।
किटी मुझे भूल मत जाना किटी। अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं उसकी वजह से सब कुछ खो दूंगा। अब मेरे पास ये कार है तो इसका मतलब मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ और टायलर गरीब नहीं होगा। अरे लेदर जैकेट, ये तो मुझे पक्का चाहिए। अरे वाओ, ये तो डेफिनेटली चाहिए मुझे। मजा आ गया आज तो। अरे वाओ, ये क्या है, आज तो मेरा लकी दिन है। अरे ये बेचने के लिए नहीं है। तुमने कुछ कहा क्या लूजर, नया लटका देना ओके। आज तो मैं एक पार्टी दूंगी। हेलो नीट, सबको इकट्ठा करो, आज है पार्टी। उप, 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 उप। क्या तुम पैसे देने वाली हो? ये भगवान कितनी पकाऊ हो तुम, चुपचाप अपने पैसे लो और मैं जाती हूँ। बस एक सेकेंड। किटी सामने से हटो, जय श्री राम, ये तुम्हारे लिए है। क्या तुम मुझ पर लाइन मार रहे हो? हाँ बिल्कुल, तुम काफी कूल हो, मुझे इस तरह की लड़कियाँ काफी पसंद है। मजेदार होने वाला है। सिंडी यहाँ आओ, कीटी यहाँ आओ। क्या? कुछ नहीं, गुड इवनिंग बोलने आई थी फ्रेंड। कीटी पार्टी बहुत बढ़िया है। बड़ा सही लग रहा है, तुम लोगों को पार्टी अच्छी लगी। मुझे वापस जेल ले जाना। यहाँ से मैंने फोन आयो तो मैं फौरन पहुँच गयो। रे बावड़ो के होया, यहाँ सारा सामान फेल हुए। कुछ नहीं, मैं पार्टी कर रहा था, मेरे पास साफ करने का समय नहीं था। अरे यार मेरे अलावा कौन हो सकता है, मैं तो जेल में था ना। समझ गयो। अरे बावड़े तन्ने अब जमानत मिल गई है तो ऐसे कर और जम के दारू पी। जी अलविदा मिस्टर हैरी। हाँ उस कमीनी ने ये क्या किया, अभी बताता हूँ उसे मैं। बेन मैंने तो नहीं कराई थी, पर सही है बोलूंगी मैंने कराई थी। अरे बाप रे, किटी ऐसा कैसे कर सकती है। हेलो डार्लिंग, मुझे खुशी है कि तुम आ गए। ये तुमने क्या किया, यहाँ तुमने क्या किया? ए, अपना मुंह बंद करो। क्या तुम भूल गए कि तुम्हें जेल से किसने निकाला है? पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरे घर को कचरा बना दो, सब कुछ ऐसे बर्बाद करके रख दो तुम। ये तुम क्या बोल रहे हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो तुम। मैंने तुम्हें बाहर निकालने के लिए कितनी मेहनत करी, क्या मैं अपने दोस्तों के साथ एंजॉय नहीं कर सकती? किटी मैं मानता हूँ तुमने अच्छा किया, पर ऐसा क्या होगा जो तुम्हें पार्टी देनी पड़ गई? क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, मैं हमारे रिश्ते के लिए कितना कुछ करती हूँ और तुम बस शिकायत करते हो कि सब बुरा है। माफ कर दो, मैंने सच में बहुत बुरा बर्ताव किया, तुमने अपना बेस्ट देने की कोशिश की और मेरी बेल करवाई। तो क्या दोस्ती? ठीक है दोस्ती। अच्छा बाय द वे, क्या मैं तुम्हारे यहाँ पर रुक सकती हूँ, मुझे मम्मी पापा के यहाँ वापस नहीं जाना है। मुझे नहीं पता। क्या कहा, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? अरे बेशक करता हूँ, यहीं रुक जाओ, हम साथ में रहते हैं ना, है ना? बढ़िया है। अरे एक मिनट रुको, पहले इस गंदगी को साफ करते हैं। क्या तुम मजाक कर रहे हो, किसी क्लीनर को बुला लो ना। अरे यार।
पॉपुलर बॉयफ्रेंड होना कितना सही है। मैं उसका सामान कितने सारे पैसों में बेच सकती हूँ। बेबी हाय बेबी। मुझे लगता है ये तोहफे काफी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए फूल लाया हूँ। वाओ टायलर, थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे तो काला गुलाब पसंद है। काले? ठीक है, मैं ढूंढ लाऊंगा। तो चलो अब देखते हैं कि इसके पास और क्या क्या रखा है। वाओ, ये जल जाएगा। मैं एक एड पोस्ट कर देती हूँ इसके लिए। ये कैप है टायलर द म्यूजिशियन की, सिर्फ $1,000 में। मैं बहुत ही लकी हूँ। हेलो, टायलर के कैप? हाँ हाँ, सेल में है। अरे आखिर कहाँ गया वो? अरे क्या ढूंढ रहे हो तुम, कुछ खो गया क्या? किटी के तुमने द बीटल विनाइल रिकॉर्ड देखा है? यहीं ड्रॉर में पड़ा था। उस पुराने सामान की जरूरत किसे है? स्पीकर पे म्यूजिक सुनो ना, इतने पुराने जमाने के क्यों हो तुम? यार वो मेरे दादाजी का रिकॉर्ड था। अरे फिर तो काफी महंगा रहा होगा ना? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी कीमत कितनी है, वो मेरे लिए यादें थी, दादाजी ने मुझे दी थी। अरे रे, हो सकता है चोरी हो गया हो। चलो तुम दिल छोटा मत करो, शांत हो जाओ। मैं समझ नहीं पा रहा क्या हो रहा है, मैंने उसे कई सालों से संभाल के रखा था, मैं तुम्हारे साथ के बिना क्या करता। मेरे साथ आने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, आई लव यू टायलर। आई लव यू टू। मैं बहुत थक गया हूँ, प्यार बहुत बेकार है। इस गधे के बच्चे की वजह से मिस क्रिस्टी ने हमें कॉन्सर्ट से भी आउट कर दिया, बेवकूफ साला। टायलर ऐसे लेट ही क्यों हो, चलो रिहर्सल करते हैं। मुझे नहीं करना, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है? चल प्रैक्टिस मत कर, चल लंच कर लेते, लंच तो करने चल। मुझे लंच नहीं करना, मुझे खाना नहीं खाना, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। How stupid! क्या कोई नया सॉन्ग बनाया है? नहीं कुछ नहीं बन रहा, मैं स्ट्रेस में हूँ। ओ हाय, क्या हो गया, तुम लोग ऐसे उखड़े हुए क्यों हो? ओहो चंपू हेलो, बोरिंग है। इससे खेल के देखो तुम, तुम्हारे स्टाइल का है। तुम फिर से यहाँ पे क्यों आई हो? टायलर तुम्हारी वजह से वाकई बहुत अजीब हो गया है। शांत हो जाओ, चलो मजे करते हैं, मिलकर गाना गाते हैं। कान फाड़ संगीत, अगर ये चुप नहीं हुई तो मेरे कान के पर्दे फटके बाहर आ जाएंगे। ए, एरियल एक काम करो, प्लेट इसके सर पे मार। इस बेवकूफ की वजह से अब हम दोस्त नहीं है। किटी बस करो, तुम क्यों चिल्ला रही हो, मैं डिप्रेशन में हूँ यार। तुम डिप्रेशन में हो और ये सारी गलती तुम्हारे दोस्तों की है। हम पर क्यों? वो तुम्हें समझते नहीं है और वो तुम्हें परेशान करते हैं, मेरे जैसे नहीं। अच्छा ठीक है, बस करो चुप हो जाओ। ठीक है, मुझे लगता है तुम्हारे अलावा मैं किसी के लिए अच्छा नहीं हूँ। ठीक कहा। हाँ तो तुम मेरे लिए एक सॉन्ग डेडिकेट करोगे? बेशक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने अभी तक अपने प्यार के लिए गाना नहीं लिखा। बिल्कुल सही कहा, चलो सोने चलते हैं, कल तुम्हारा कॉन्सर्ट है ना। मुझे एहसास हुआ कि प्यार दर्द है, प्यार दर्द है, इसे कूड़ेदान में फेंक दो। अरे वाह, मैं उसका दर्द हूँ, मुझे जाने दो, जाने दो। अरे वाह, मैं उसका दर्द हूँ। नहीं, मैं उसका प्यार हूँ, ये गाना मेरे बारे में है। आखिरकार हमें पता चल ही गया कि टायलर की प्रेरणा कौन है। तुम क्यों आई, तुमने हमारा कॉन्सर्ट बर्बाद कर दिया। किटी प्लीज यहाँ से चली जाओ, हमें शो पूरा करना है। तुम्हें दिखता नहीं है क्या, मेरी फोटो ली जा रही है, सेल्फिश। सही है, शुक्रिया टायलर, इसने सब बर्बाद कर दिया। टायलर आज फैसला कर ही दे, ये या हमको एक रहेगा, चल एरियल। हनी एक मिनट रुको ना, मैं अपना फेम एंजॉय कर रही हूँ। अरे यार तुम कमाल की हो किटी। तुम उदास क्यों बैठे हो, मेरे लिए खुश नहीं हो? तुमने मुझे सॉन्ग पूरा नहीं करने दिया, मेरे बहुत अच्छे दोस्त चले गए, तुमने सब बर्बाद कर दिया यार। खराब कर दिया, तुम बिल्कुल पागल हो।
मेरा इरादा सबसे अच्छा था, तुम्हारे लिए शो मैंने ऑर्गेनाइज किया। मेरे लिए? सब लोग बस तुम्हें ही देख रहे थे। खैर जो भी हो, मेरे पास अब कोई बैंड नहीं है। सब खत्म हो गया। तो क्या क्या परवाह है हा? तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हो। अरे बिल्कुल करता हूँ, लेकिन अगर ऐसे चलता रहा तो मैं जल्द ही अकेला हो जाऊंगा। अकेले नहीं होगे, मेरे साथ होगे। रोना बंद करो आप। टाइलर मुस्कुराओ ना, बुत बन के क्यों खड़े हुए हो तुम? सॉरी मेरा मूड नहीं है। मैं किटी की फोटो लेना चाहती हूँ, वो तो कमाल है। नहीं मैं चाहती हूँ। अरे यार किटी की वजह से मुझे कोई भी नोटिस नहीं कर रहा। मैं कितना घमंडी हूँ, मुझे तो किटी के लिए खुश होना चाहिए। वो कितनी सुंदर है, और इधर मैं बेवकूफ सिर्फ अपने बारे में ही सोचता रहता हूँ। कहाँ घूम रहे थे तुम? हाँ मेरे लिए सब बर्बाद करने वाले हो। सॉरी मुझे बुरा लगा। चलो मुस्कुराओ। तुम रेड कारपेट पे आखिर कर क्या रहे थे? हाँ नॉर्मली खड़े नहीं हो सकते थे? ये क्या सैड सा फेस बना के रखा था? अरे किटी सॉरी मैं बस थक गया हूँ। तुम्हें बस जलन हो रही है कि तुम्हारे फैंस मेरे हो गए हैं। मुझे जलन कैसे हो सकती है, मुझे तुमसे प्यार है। मुझे यकीन नहीं है। सच्ची मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर साबित करो, सिर्फ कहने से प्यार नहीं होता है समझे। चलो मेरे साथ अपने प्यार को फीलिंग्स में दिखाओ। तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो ओए किटी? अरे ये हम कहाँ आ गए? हेलो, जल्दी से इसके सीने पे मेरा पूरा नाम टैटू कर दो। क्या तुम्हारा दिमाग खिसक गया क्या? तुम्हें अपना प्यार साबित करना था ना? टैटू किटी, जल्दी से। रुको दर्द हो रहा है यार। थोड़ा कम हिलोगे तो अच्छा होगा। इतना टाइम क्यों लग रहा है, जल्दी करो, फटाफट करो। अरे कोशिश तो कर रहा हूँ ना। ओ हिलो हो गया। क्या तुम बिल्कुल बेवकूफ हो क्या? मेरा नाम ऐसे थोड़ी ना लिखते हैं। मैं करती हूँ। बेवकूफ, मैं इसके पैसे नहीं देने वाली हूँ, तुम समझे? तो देखा टाइलर, तुम्हें एहसास हुआ कि मुझसे कितना प्यार करते हो? जाते हैं हम लोग लूजर। बस हो गया किटी, मैं थक गया हूँ। थक गए हो? आखिर किससे थक गए हो? तुम मुझे दर्द पहुँचा रही हो, अब मुझसे और नहीं होगा। अच्छा तुम एकदम सनकी हो टाइलर, मुझे गुस्सा दिला रहे हो। किटी रुको। नहीं नहीं मैं ये सब और नहीं झेल सकता, वो मुझे टॉर्चर कर रही है। किटी मैंने कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। इसकी तो मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा। अरे यार छोड़ो ये सब, मैं यहां हमेशा के लिए झूठ बोलूंगा। अरे यार तुम मुझसे चाहती क्या हो? मैंने कहा था मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो। और भाई सब ठीक तो है ना? कहां पर हो तुम? हमने तुम्हें कॉल किया था, उठाया नहीं। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया, मुझे छोड़ दिया। क्योंकि तुम किटी को नहीं छोड़ रहे थे इसलिए। किटी मुझे पागल कर रही है, मुझे उससे ब्रेकअप करना है। मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन ये रिश्ता टॉक्सिक है तो अलग होना ही बेहतर है। अरे बहुत हो गया, किटी का तो कुछ करना पड़ेगा। क्या वो ब्रेकअप करना चाहता है? देख लेना टाइलर, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बेचारो इब हमारे बीच ना रहो। क्या मतलब नहीं रहा, कहां गया? बस यही, हमें उसका नोट मिला जिसमें उसने सभी को गुड बाय कहा और कहा कि उसके बिना हर कोई बेहतर होगा। अरे नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं होता वो ऐसा कर सकता है, वो कहां जा सकता है। तुमने
अरे शांत हो जा, संभाल खुद ने। अभी छोरो गायब हुआ है, छोरो के साथ बुरो हुआ है। उसे ढूंढो, ये बेवकूफ हर चीज के लिए जिम्मेदार है। ये उसे जेल से बाहर भी नहीं निकालना चाहती थी, उसको जमानत भी नहीं दिलवाई इसने। फिर किसने दिया? मैंने उसे बचाया। कहानी जोरदार लगे है, आगे बता छोरी। चले जाओ सब लोग यहाँ से, निकल जाओ तुम लोग, मैं दुख में हूँ, निकल जाओ, निकलो, निकल जाओ इनसे, सुनिए लोगों, निकल जाओ। मेरा बेचारा टायलर कहाँ गया? मेरा बेचारा टायलर, मैं उसे बहुत मिस कर। पता नहीं तुम ये रोना धोना क्यों कर रही हो, जरा इस घर को तो देखो। नेट, क्या तुम पागल हो? वो दुख में है। अच्छा, ये बताओ कि तुम हमारे लिए यहाँ पार्टियाँ करने वाले हो? कैसी पार्टियाँ? हाँ, वो अब हमारे बीच में नहीं है। मेरा प्यारा टायलर, तुम्हारी उम्र ही क्या थी? हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं दावे के साथ कह रही हूँ, 100 रुपए की शर्त लगाओ, ये घुटने पर आएगी। ठीक है। अरे लो। किटे, अबे तू क्या पागल हो गई है? टायलर अभी तक मिला नहीं है और तू यहाँ पर उसकी शोक सभा बना रही है। अबे तुझे क्या हो रहा है? तुझे आके से बोला? ये मेरे दोस्त का घर है और तुम सालों यहाँ से निकल जाओ अभी के अभी। दफा हो जाओ तुम लोग यहाँ से, सब के सब मेरे दुख पर हंसने आए हो ना तुम। हाँ, और तुम सब निकल जाओ यहाँ से, कोई उसके दोस्त नहीं हो, यहाँ सिर्फ खाने और हंसने के लिए आए हो, निकल जाओ। निकल जाओ। शो तो खत्म हो चुका है, मुझे जो चाहिए था वो तो सब कुछ मिल गया। भागने का टाइम। ओए, ओ, 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 ओ। ओ टायलर, मुझे छोड़ना था और नाकाम हो गए, छोड़ नहीं पाए ना। अब मुझे जाना होगा एयरपोर्ट, इस देश से मुझे भागना तो पड़ेगा ना। कर दिखाया मैंने, मेरी फ्लाइट आधे घंटे में है। क्या टायलर, जल्दी में हो? तुम शायद मुझे ढूंढ रही थी ना। टायलर, मुझे लगा था कि तुम चले गए। मैंने बहुत कुछ सहा, मुझे बहुत चिंता थी। हाँ हाँ, तुम्हें इतना कष्ट हुआ कि तुमने टायलर की किडनैपिंग के लिए पैसे चुकाए? क्या, तुम्हें कैसे पता? इस बात के लिए एरियल का शुक्रिया, वही तुम्हारा पीछा कर रही थी। टायलर का विनियल रिकॉर्ड जैसे कि तय किया था। क्या क्या मतलब पीछा किया? अब तो मैं तुम्हें बताती हूँ। अच्छी बात है कि वो मुझे किडनैप कर पाते, उससे पहले ही मैं भाग आया। ले जाओ इसे। डाल ससुरी ने हाथ कड़ी। ज्यादा बोल बोल करे तो मुंह तोड़ दे। ये सही है, इसे चुप रहने दो, पक गए इसकी बकबक से। तुम्हें पछतावा होगा टायलर, मैंने तुमसे प्यार किया था, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जाहिर है, हम प्यार शब्द को काफी अलग तरीके से समझते हैं। अच्छा है सब खत्म हुआ। तुम इतने समय से मेरे आसपास रही और मैंने नोटिस भी नहीं किया। रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मकड़ी? एक मकड़ी। तुमने इसे बचा लिया एरियल, मेरे दादाजी के रिकॉर्ड को तुमने संभाल के रखा और तुमने मुझे भी बचाया। आखिर मैं तुम्हारे बिना क्या करता? तो आ गए हम
लोग फिर से जैसे कि हमेशा की तरह जमा होते हैं, वैसे ही सारे बेवकूफ एक साथ जमा हो गए, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ेंगे जो आपने अपने हाथों से किए। तो फिर अब हम कमेंट पढ़ेंगे, और तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, प्यार बरसाओ और वीडियो को शेयर भी कर देना। हम पढ़ते हैं कमेंट्स। इंडिया आ रही है। हाय दोस्तों, ये बेस्ट एक्टर्स के साथ दुनिया का सबसे बेस्ट चैनल है, और जो तुम कर रहे हो उसे करते रहो। और क्या मैं तुम्हारे अगले वीडियो में हो सकती हूँ? आर्टलैंड 56। हेलो हेलो दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया ऐसा कमेंट करने के लिए। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं इसके लिए, और हमें अच्छा लगता है कि तुम लोग ऐसे कमेंट करते हो। थैंक यू भैया। ठीक है। तो यहाँ भी एक प्यारा सा कमेंट है। हेलो, मेरा नाम है प्रांजल और मैं 9 साल का हूँ और मैं भारत से हूँ। मुझे आपके वीडियोस बहुत पसंद है, तो प्लीज मेरा नाम लीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। तो एक साथ बोले, हेलो। देखो दोस्तों, जब भी हम जमा होते हैं, कमेंट पढ़ते हैं, आपके लिए एक हिंट होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। अरे हम तो चाहते ही है आप कमेंट करें, तो करो दोस्तों कमेंट। देखो एक बात समझ लो, जितने ज्यादा कमेंट्स आप लोग करेंगे उतने ही अच्छे से तो हम लोग पढ़ेंगे, समझे ना? और पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इसलिए आप कमेंट करो, हम पढ़ेंगे और आपके क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो हमें पढ़ना जरूरी है, आपका लिखना जरूरी है, तो लिखो यार। सही बात है यार। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट कौन है? देखो मैं पढ़ता हूँ, आगे बढ़ो। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं इजिप्ट से हूँ, मैं चाहता हूँ एक ऐसी वीडियो हो जहाँ के क्रिस और कैसी हीरो बने। अच्छा, कैसी के लिए दिल से लगा के भेजा है, देखो कैसी। दोस्तों इंतजार करो, ये जल्दी होगा। तो क्या सच में जल्दी होने वाला है? कैसी ने खुलासा कर दिया, जल्दी होने वाला है। आपके वीडियोस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, किसी भी सिनेमा फिल्म टीवी सीरीज से भी बेहतर है। अरे बाप रे, ये होती है असली तारीफ। शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए। मेरे पास एक इंटरेस्टिंग कमेंट है, रुको मैं पढ़ता हूँ इसको। आगे बढ़ो, और वीडियो हमेशा तुम्हारी वीडियो देखूंगा, डिज्नी प्रिंसेस के वीडियो से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत बढ़िया था। थैंक यू क्रेजी घर टीम। और दिल भी भेजा है, वी लव यू टू मेरे दोस्त। तो फिर अगला कमेंट कौन है? कैसी पढ़ो, अगला कमेंट पढ़ो। हाय क्रेजी घर, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं फॉलो करता हूँ। तो फिर अगला प्रश्न, ठीक है सिंडी पढ़ो, तुम्हारे पास भी है ना? हाँ, चलो अब मुझे पढ़ना है। मेरे पास आपके लिए दिलचस्प सवाल है, मुझे उम्मीद है कि आप जवाब देंगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप सभी शब्दों को याद करते हैं या फिर मन से बोलते हैं? उम्मीद है कि आप मेरा सवाल समझ गए होंगे। दरअसल होता क्या है, हमारे पास बहुत ही शानदार याददाश्त, और हम अपनी स्क्रिप्ट टेक्स्ट को अपने तकिए के नीचे रख के सोते हैं, और ऐसे ही वो बस हमारे दिमाग में आ जाता है। हमारे राज क्यों खोल रही है? ये हमारा सीक्रेट था। अबे अपने सब्सक्राइबर को, ये दोस्तों हम लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए नींद में हमें सब कुछ याद हो जाता है। मैं ताली बजाता हूँ, दो बार चुटकी बजाता हूँ और उसके बाद स्क्रिप्ट को रख देता हूँ, और याद कैसे नहीं होगी बताइए जरा। तो अगला है 4 पावर्स प्लीज। ये शायद 4 एलिमेंट्स है। बिल्कुल वही, तो चलते हैं। तो इंतजार करो। हाँ बिल्कुल, आ जाएगी अगली वीडियो 4 एलिमेंट्स वाली है, अभी चल रही है। दोस्तों समय समाप्ति की घोषणा है, अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट व्लॉग पर, जहाँ पर हम लोग गेम खेलेंगे, चैलेंज करेंगे। तो फिर चलो चलते हैं, करते हैं चैलेंज। चलो चलते हैं, सब लोग बताओ। हमारे पास यहाँ हीलियम वाले बलून्स है, जिससे हमारी आवाज चेंज हो जाती है और आवाज अजीब सी हो जाती है। तो हम इस गैस को अपने मुंह में रखकर फेवरेट गाना गाएंगे और सामने वाले को गेस करना है। तो चलिए गेस करते हैं, आ जाओ। पहले हैरी गाना गाएगा और हम सभी को गेस करना है कि वो गाना कौन सा है। ठीक है हैरी, लेकिन मुझे कोई गाना तो सोचने दो यार। आइए संगीत सम्राट गाइए तो सही, तुम लोग मेरे साथ गाना। ठीक है, अरे बाप रे, ये मेरी आवाज को क्या हो गया, मेरी आवाज पूरी बदल गई। रुको मैं एक गाना गाता हूँ थोड़ा। हाँ एक गाना याद आया, ये वाला गाना मैंने बहुत बार सुना हुआ है, तो इसे मैं गा कर देखता हूँ कैसे होता है। तो हाँ, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। ये राजेश खन्ना की फिल्म का थोड़ा गाना है, बहुत ज्यादा है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, अरे वाह क्या बात है यार, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। ये तो मेरा फेवरेट गाना था यार। कैसी की बारी, कैसी शुरू हो रहा है। चलो चलो चलो, कैसी कैसी जेड़ा नशा
नशा तेरी क्या बात है मुझे पता है ये एल्बम का गाना है मुझे मूवी में मुझे पता है कौन सा गाना है मैंने गेस कर लिया बढ़िया ठीक है चलो मेरी बारी दिल दीवाना बिन सजना के माने ना ये पगला कौन सा गाना है ये याद नहीं आ रहा बस धुन याद आ गई मैं तो यार बस कुछ भी गाने की कोशिश कर रहा था बस सलमान भाई की पिक्चर का गाना है ये दिल दीवाना बिन सजना के माने मुझे याद आ गया ये कौन सा गाना है नाम याद आ गया अब अगला कौन है देखो मुझे कुछ नहीं मालूम अरे यार मैं ठीक से गाना नहीं गा सकती मुझे लग रहा है कि ये गाना मुझे हमेशा फनी सा लगता था शायद तुम ही जानते हो गाना गाते ही हो जो किसी को पता ही ना चले वो गाना गाओ जो पता है बेबी शार्क डू 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 बेबी मुझे छोड़ो तुम जारी रखो हेलो 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 चलो गाइस लास्ट तुम सुनो ये घुसने की आवाज है ये लो मेरे घर की चाबियाँ अब घर जाओ और ध्यान रखो अपना भी और घर का भी अरे क्या लाइन थी मेरी भूल गई मैं अबे तेरा क्या दिमाग खराब हो गया अब तक टाइलर मिला नहीं है और तू यहाँ पर वो शोक सभा मना रही है पागल बेबी मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा क्या करूँ मैं क्या करूँ मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ किटी रुको नहीं मैं ये सब और नहीं अब मैं लाइंस भूल गया मैं तुमसे पक गया हूँ तुम कोई नहीं हो हमारा सीन काट के खुद डायलॉग बोल लिए लाइफ में सबसे जरूरी चीज है प्यार सबसे जरूरी चीज है लाइफ में मस्ती ब्लूपर्स